आपको सवाल ऐसा आ गया जो आउट ऑफ सिलेबस है, उसमें सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अगर ऐसा सवाल आ गया जिसके रिलेटेड भी आपको कुछ नहीं आता, ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं या नहीं सवाल आता है। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आज सेमेस्टर के, लेकिन क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 4 जुलाई से, तो उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आपके साथ में तकरीबन 6 टिप्स शेयर करूंगा, अगर आप उन पे फोकस करें तो इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे भी आ सकते हैं, ठीक है, अगर आप उन टिप्स पे अमल करें तो। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ज़ीशान हुसैन और आप देखें आपका प्यारा लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज आए जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टिप की। जो फर्स्ट टिप है वो बेसिकली आपको याद करने के लिए है, ठीक है, कि भाई जब भी आप अपना लेसन याद कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका बुक है, जो पेपर है आपका नेक्स्ट, जो आप याद कर रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है हेडिंग्स पे, ठीक है, जो मतलब एक टॉपिक है, जैसे मैथ में हेडिंग्स अब नहीं है, वो बुक निकल जाएगी, ठीक है, ऐसी बुक्स जिनमें हेडिंग्स आती हैं, जिसमें थ्योरी आती है, क्वेश्चंस, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपके हेडिंग्स जो आती हैं आपने उनको अच्छे से याद करना है। अब जो हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स है वो भी आपने अच्छे से याद करनी है। अगर आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स अच्छे से याद हो गई, ठीक है, अंदर आपने कुछ भी उनके रिलेटेड लिख लिया, आपने उनको सिर्फ अच्छे से रीड किया, समझ लिया और अपने अल्फाज में लिख दिया है, तो आपके नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं टिप नंबर सेकंड की। सबसे पहले आपने सवाल वो करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है, पहले वो सवाल करना है जो सबसे अच्छा आता है, ठीक है, आपको 4 सवाल आएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, आपको फर्ज करो क्वेश्चन नंबर 3 पहले आता है बहुत अच्छे से, तो आपने पहले ये वाला करना है, उसके बाद जो आपको फर्ज करो आता है जी 4th वाला, तो 4th वाला उसके बाद करना है, उसके बाद जो उससे कम आता है वो करना है, और जो बिल्कुल भी नहीं आता या बहुत कम आता है वो आपने एंड पे करना है। यानी कि आपने तरतीब इस तरह रखनी है कि जो सबसे अच्छा आता है वो पहले लिखना है, और उसके बाद जो कम आता है उससे वो लिखना है, उसके बाद इसी तरह पीछे, ठीक है, यानी कि एंड पे वो हो जो आपको बहुत कम आते हैं, क्योंकि जब पेपर चेक किए जाते हैं तो सबसे पहले 2-3 पेजेस से आइडिया लग जाता है कि ये बंदा लाइक है या फिर ना लाइक है। अब हम तीसरी टिप के बारे में बात करते हैं जी, वो ये है कि अगर आपको सवाल ऐसा आ गया जो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, आपको उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है, अब क्या होगा भाई, आपने सवाल अच्छे से पढ़ लिया, आपको लगा, ठीक है, कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप उसके रिलेटेड लिखेंगे, ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ भी जो आपको आपके जहन में आ रहा है, ठीक है, कुछ भी आपको उस सवाल के रिलेटेड आ रहा है वो आप लिखते जाएंगे, आपको 2-3 फिकरात आगे समझ, उसके बाद जब आप वो 4-5 लिखेंगे आपको 1-2 और भी जेहन में आ जाएंगे। अब फर्ज करो आपने एक सफा लिख लिया, तो आपने ये नहीं है कि एक सफा 20 नंबर में पूरा कर देना है, नहीं, आपने उसी सफे को दोबारा लिख लें, ठीक है, यानी कि आपने कम से कम इस तरह के जो सवाल होते हैं ना जिनको नहीं आता वो आपने एंड पे करने होते हैं, सही है, तो कोशिश करें कि इस तरह के सवाल एंड पे, लेकिन उनको एक सफा अगर आपने लिख लिया है तो उसी, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो उसी सफे को दोबारा भी लिख दें, ठीक है, ताकि आपको इस तरह लगे कि ये 2 पेज हो गए हैं, लेकिन ये कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये है कि भाई इससे आपका ये है कि इस तरह लगेगा, क्योंकि जब पेपर चेक किए जाते हैं तो इतने ध्यान से भी नहीं चेक होते, क्योंकि काफी ज्यादा बंडल्स पड़े होते हैं पेपर्स के, तो उनका यही सीन होता है कि वो जल्दी जल्दी चेक कर लें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। उसके बाद ये नेक्स्ट टिप ये है कि अगर ऐसा सवाल आ गया जिसके रिलेटेड भी आपको कुछ नहीं आता, आपको आता ही कुछ नहीं, पता ही नहीं है, है क्या, सही है, तो फिर क्या करेंगे, फिर जनाब आप इस तरह करेंगे कि जो सवाल आपको आता है, ठीक है, जो सवाल आपको आता है आपने सवाल वो लिखना है जो पेपर में लिखा है, ठीक है, लेकिन जो आपको आता है आपने जवाब में वो लिख देना है, सही है, जो आपको सवाल का जवाब आता है वो आपने जवाब लिखना है, लेकिन सवाल जो है वो जो पेपर में आया है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर सवाल आपने वो लिखना है, लेकिन जवाब जो आपको आता है वो लिखना है, यानी ये उस वक्त करना है जब आपको उसके रिलेटेड भी नहीं आता, यानी जब आपको रिलेटेड आता है तो आपने रिलेटेड लिखना है, लेकिन जब आपको उसके रिलेटेड भी नहीं पता तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कोई दूसरा सवाल जो है जिसका जवाब आपको आता है वो जवाब आपने उसकी जगह लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, जो कि प्रेजेंटेशन के हवाले से है। भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है वो मतलब मार्जिन्स लगे होते हैं, हाशिए जिसको बोलते हैं वो लगे होते हैं, 24 पेजेस होते हैं शीट के,
आपने इस तरह मैनेज करना है कि 24 में आपकी शीट मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए। नेक्स्ट हम एक वीडियो में बात करेंगे इससे नेक्स्ट होगी कि आपने फर्स्ट जो पेज होता है उसको कैसे फिल करना है। मैं इंशाल्लाह आपको व्हाइट बोर्ड पे करके दिखा दूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा जी, उसमें जी आपने ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं या नहीं सवाल आता है। भाई ब्लैक मार्कर तब आपने यूज करनी है जो हेड, जैसे जी कोई आपने किसी चीज को अंडरलाइन करना है, ठीक है, जैसे कोई आपने कुरानी आयात दी है, हदीस का हवाला दिया है, तो उसको आप अंडरलाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। आमतौर पर डॉलर की जो है 605 और 604 ये दो मार्कर्स अच्छी से जो है वो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ब्लू और ब्लैक, ठीक है, ब्लैक सिर्फ हेडिंग उसके लिए अंडरलाइन करने के लिए और ब्लू के लिए आप हेडिंग्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और पेन भी आप जो भी पेन या पेंसिल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप रेगुलर कर रहे हैं आप वही करें, ठीक है। पेपर में कभी भी आप नहीं ना लेके जाएं क्योंकि आपको नहीं को सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपका जो प्रैक्टिस है वो आपकी ओल्ड पेंसिल से है तो आप उसी पेंसिल से ही अपने पेपर में दे, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो ये है कि भाई दो चीजें, एक भी आपने कभी भी इंक रिमूवर नहीं यूज करना, इंक रिमूवर वो यूज नहीं करना, ये बहुत गंदा इम्पैक्ट होता है इस पे। और दूसरी ये जेल पेन, ठीक है, जेल पेन और इंक रिमूवर आपने इस्तेमाल नहीं करना पेपर में, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि कच्ची पेंसिल हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, कच्ची पेंसिल आप एमसीक्यूज के लिए आमतौर पर लिखा होता है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने करना है तो छोटा सा डॉट शॉट लगा लें और उसके बाद जो जब आप पकड़ाने लगे तो उस पर दोबारा आप पक्की पेंसिल से आप निशान लगा लें। तो ये 5-6 टिप्स थी, इंशाल्लाह आपको काफी अच्छी वीडियो लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।